हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुषी आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करती हूँ। दिस इज़ योर क्लास नंबर 5, जिसमें आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होते हैं जिनका यूज़ कंप्यूटर को चलाने के लिए किया जाता है। ये हमारे कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिना सॉफ्टवेयर के हम हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर है वो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करता है। इट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यह कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है। इट इज़ एन इनटेंजिबल। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मेन डिफरेंस यही होता है कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हमारे फ़ोन में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी ऐप्स का यूज़ करते हैं ना, हम उन्हें सिर्फ चला सकते हैं, उन्हें टच नहीं कर सकते हैं। साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं हमें, जैसे पावर पॉइंट हुआ, MS वर्ड, एंड्रॉयड, विंडोज़ है ना, जीमेल, ये सभी क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इनका सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, इन्हें टच नहीं कर सकते। तो चलिए आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम हमारे कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम हमारे कंप्यूटर में जो दूसरी सॉफ्टवेयर्स हैं है ना, उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम हमारे कंप्यूटर का ही यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। अब ये क्या होते हैं? तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ है ना, एंड्रॉयड, यूनिक्स, लिनक्स, ये सभी क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और डिवाइस ड्राइवर। सेकेंड है सिस्टम यूटिलिटीज़। इसमें एंटीवायरस, बैकअप यूटिलिटीज़ एंड डिस्क क्लीनर्स। थर्ड है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें आते हैं कंपाइलर, इंटरप्रिटर और असेंबलर। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू ऑलो द यूजर्स ऑफ द सिस्टम कम्प्लीट अ स्पेसिफिक टास्क आर और सेट ऑफ टास्क। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनका यूज़ यूज़र के किसी एक काम या कई कामों को करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम शॉर्ट में एप्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, MS पावर पॉइंट, टेक्स्ट एडिटर, इमेज एडिटर, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनका यूज़ हम हमारे सामान्य कार्यों के लिए करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, टेक्स्ट या इमेज एडिटर, इनके लिए हम करते हैं। सेकंड होते हैं हमारे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इनमें रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, बिलिंग सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिन्हें हम हमारे किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाते हैं। ठीक है ना, हमारे किसी बिजनेस के लिए या स्कूल मैनेजमेंट के लिए, जैसे कामों में हम किसी स्पेशल काम के लिए ही इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनके बिना हम हमारे कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।